हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे थे आरआरबी के कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें बीच में आपका मतलब जो पेज नंबर 30 30 तक बीच में कुछ एक सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके हैं जिनके लिए आपको मतलब लगाने पड़ेंगे सर्टिफिकेट। ये उनके उनके लिए हैं जो मतलब स्पेशल किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं या कोई ना कोई रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इनमें से कोई सर्टिफिकेट आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपका ये है सिलेबस जो मेंशन किया है, जो आपका टेक्निकल एबिलिटी वाला पेपर होगा उसके लिए यहाँ पे सबके लिए अलग अलग मेंशन किया है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आप इन्होंने मेंशन किया, जो सिविल वाले सारे हैं, इंजीनियर मैकेनिक्स है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर वगैरह। तो जो आपका सिलेबस नॉर्मल बीटेक लेवल पे है वो सारा का सारा, और डिप्लोमा लेवल पे है वो सब इसमें मेंशन किया है। सर्वेइंग वगैरह का बहुत सारे पार्ट्स को इन्होंने इंक्लूड किया है। कैड के बारे में है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में है। तो ये सारा का सारा सिलेबस है। ये सिलेबस आपका सेम जैसे एसएससी जेई के एग्ज़ाम होता है उस हिसाब से है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सिलेबस इलेक्ट्रिकल और अलाइड, जो भी इलेक्ट्रिकल और उसके साथ की जो इंजीनियरिंग वाली ब्रांच है जिनको एलिजिबल किया गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थ्रू, तो उनमें सब में सबका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, सर्किट लॉ वगैरह, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, ये सारे सारे सिलेबस हैं। इन सिलेबस को आपको अच्छे से गो थ्रू होना है, उसके बाद आप है ना उसकी पर ये CBT 2 के लिए है, ठीक है। अभी आपको इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिलेबस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम ग्रुप है ये उसके लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन कौन से पार्ट हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, LIC है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीजरमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारा बेसिक जो सिलेबस है वो सबका दे रखा है। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दे रखा है पूरा। इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। मटेरियल साइंस है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मशीनिंग है, वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है, फिनिशिंग प्रोसेस है। तो ये सारा पोर्शन जो मेट्रोलॉजी है, ये प्रोडक्शन वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा दे दिया यहाँ पे। फिर फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ये वाला पोर्शन है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में है, तो इंडस्ट्रियल में जो भी पोर्शन है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन काफ़ी शॉर्ट रखा गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल बेसिक। तो जिस तरीके से ना एग्ज़ाम का टाइम दिया गया है कि है ना आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं 120 मिनट्स में, और 100 क्वेश्चन उसमें से टेक्निकल के होंगे, तो लेवल आपका SSC JEE लेवल तक का ही रहेगा, उससे ज़्यादा हाई फाई नहीं आएगा। थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि SSC JEE में आपके ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, आपको कम टाइम मिलता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो थोड़ा सा अप होगा लेवल, पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आप प्रीवियस ईयर जो भी है ना इनके मैकेनिकल वाले क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको ट्राई कर सकते हैं, और आप है ना SSC JEE वगैरह के क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चनों को ट्राई करें, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चनों को बचाने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दे रखा है, तो इसका मतलब ये ना समझें कि आप गेट एग्ज़ाम लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। गेट एग्ज़ाम में आपको सफिशियंट टाइम मिलता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। तो इन केस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। खैर, ये CBT 2 की बात है, इसके बारे में आपका सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT जो भी है JEE IT के लिए वो पूरा सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें, ये आप सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांच है आपकी उस हिसाब से सिलेबस को देख लीजिएगा। अब इसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में जो JEE हैं उनके लिए है ना यहाँ पर दे रखा है प्रिंटिंग फिनिशिंग प्रोसेस, और भी कई सारे जो जो भी आपके है ना आपने ग्रेजुएशन लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे जो जो सब्जेक्ट को पढ़ा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेबस में मेंशन की गई हैं। तो अब इसके बाद CMA के बारे में एग्ज़ाम ग्रुप के लिए, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिलेबस में आएगा, तो इसमें मैकेनिकल वाला पार्ट भी है और मैकेनिक्स वाला पार्ट भी है, इलेक्ट्रिकल वाला भी पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह, ये सारे सारे पोर्शन दे रखे हैं। आप इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा सिलेबस को पूरे को। अब इसके बाद आपका आता है जो भी है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए अलग अलग दे रखी है यहाँ पे, कि है ना कैटेगरी बना रखी है कि किस किस के लिए इनको क्या चाहिए। तो जैसे जूनियर इंजीनियर ब्रिज है, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है, सब डिपार्टमेंट आपका ब्रिज है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किए थे, तो मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने A3 मांगा है, और इसमें आपको जो सूटेबल जो भी कैंडिडेट्स हैं उसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं ना फिजिकल डिसेबल वाले इन्होंने एलिजिबल किए हैं,
वो सारे के सारे यहाँ पे बता रखे हैं। और ये सारी सारी जो यहाँ पे पोस्ट हैं उनके लिए इन्होंने बोला कि ना सिविल इंजीनियरिंग में या तो डिप्लोमा होना चाहिए या BSc इन सिविल इंजीनियरिंग या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम इन सिविल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी कि यहाँ पे बोला है डिप्लोमा और बी ऑप्शन देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी कि डिप्लोमा वाला पोर्शन है और आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि है ना ट्रैक मशीन वगैरह, ऐसे ही इन्होंने किया है कि यहाँ पे बोल रखा है कि मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल जो भी अलाइड ब्रांचे हैं उन सबको इंक्लूड किया है। और इसके साथ इंजीनियरिंग, ये तो डिप्लोमा है और उसके साथ इंजीनियरिंग कर रखी है तो इंजीनियरिंग वाला पोर्शन भी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो ऐसे करके ये आपकी सारी की सारी ब्रांचों के लिए, सारी की सारी पोस्ट के लिए, प्रोडक्शन यूनिट, तो ये बहुत पूरा एक अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज है। आप इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से मैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो वाली पोस्ट पे आप देखें। मेरे हिसाब से आप इस सारी उस चीज़ का एक प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट लेने के बाद आप उसमें जो भी जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट पे आप टिक करें और फिर उस पोस्ट के लिए कितनी रेस्पेक्टिव वैकेंसी किस RRB में ज़्यादा हैं उस और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो सारा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। हम कोशिश करेंगे कि मैकेनिकल के लिए हम है ना ये पूरा पूरा एक डिटेल एनालिसिस बनाएं कि कौन से RRB में मैकेनिकल में इस वैकेंसी के लिए कितनी वो है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम आप हमें दीजिए, हम उसको पूरा एनालिसिस करके ये आपका जैसे है किसी किसी में आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों को एलिजिबल किया गया है तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आपके डिफरेंट पोस्ट हैं। इसमें क्या है कि है ना हायर क्वालिफिकेशन यानी कि BE BTECH है आपके किसी भी उसमें 3 ईयर डिप्लोमा के अलावा तो वो भी एलिजिबल हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब ये वैकेंसीज़ के बारे में आते हैं, जैसे ना इन्होंने क्या है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हिसाब से वैकेंसी दे रखी है, जैसे RRB अहमदाबाद है तो यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट के हिसाब से वैकेंसीज़ हैं सारी की सारी कि सब डिपार्टमेंट कौन सा है। जैसे हम उसमें देख रहे थे जूनियर इंजीनियर आपका ट्रैक वाला था, ठीक है, तो इसमें ट्रैक वाली वैकेंसीज़ के बारे में नहीं बता रखा, पर फिर भी जैसे देखते हैं कि जैसे आपका जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिक के बारे में है तो डीजल शेडिंग के हैं तो इसमें आपकी जनरल में वैकेंसी 5 हैं और कैटेगरी में वैकेंसी 2 हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक वैकेंसी को यहाँ पे है ना नोट डाउन करना पड़ेगा, इस पर गोला करना पड़ेगा कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, फिर मान के चलिए आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो इस पर गोला करिए। तो हर रेस्पेक्टिव RRB की आपकी वैकेंसी दे रखी है, जैसे RRB अजमेर है इसकी वैकेंसी दे रखी है, RRB अजमेर में अच्छी खासी वैकेंसी है आपकी, टोटल वैकेंसी ये 825 वैकेंसी हैं। इसमें मैकेनिकली कितनी वैकेंसी हैं, सिविल की इलेक्ट्रिकली कितनी हैं, इनको है ना अलग अलग से आपको कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा क्योंकि किसी पोस्ट के लिए किस किस पोस्ट के लिए सिविल को भी एलिजिबल किया है, मैकेनिकल को भी एलिजिबल किया है, इलेक्ट्रिकल को भी एलिजिबल किया है, तो वो उसमें डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर आप है ना ओवरऑल देखिए कि कितनी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ऐसे RRB इलाहाबाद, तो ये सारी की सारी जो रेस्पेक्टिव RRBs हैं उन सबके लिए यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन सी RRB के लिए आप एलिजिबल हैं, सारी RRB का बोल रखा है। RRB इलाहाबाद में बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, चेन्नई में भी अच्छी वैकेंसी हैं, बाकी आपको इनमें है ना वैकेंसी स्पेसिफाइड पोस्ट के लिए और वैकेंसी के लिए एलिजिबल करना है। इनकेस मान के चलिए आप एप्लीकेशन भरते हैं, आपने RRB अजमेर चूज़ किया है तो RRB अजमेर में अगर आपने ब्रांच वहाँ पे फिल करते हो कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, मैकेनिकल से हूँ या सिविल से हूँ, तो जितनी ब्रांचों में आप नॉर्मली एक ब्रांच के लिए जैसे मैकेनिकल वाली पोर्शन के लिए एलिजिबल थे उसमें भी आप शो हो जाएंगे, वो भी पोस्ट आपको शो हो जाएंगी, और किसी में कंबाइंड एलिजिबल हैं जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड पोस्ट हैं तो वो भी शो हो जाएंगे आपको। तो उस टाइम जब पोस्ट शो हों तो आप ये देखें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आप किस पोस्ट को फर्स्ट पर रखना चाहते हैं, कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाली को रखना चाहते हैं या केवल मैकेनिकल वाली को रखना चाहते हैं या केवल सिविल और मैकेनिकल वाली को रखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ का आप एनालिसिस करेंगे, उस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरें जिससे क्या है कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी आप थोड़ा सा हमें टाइम देंगे तो हम पूरा एक एनालिसिस पूरा बना के उस तरीके से हम आपको बता देंगे। पर आप मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप अपना खुद का एनालिसिस करें क्योंकि हम जिस एनालिसिस को आपको शेयर करेंगे तो उस चीज़ को अगर सारे लोग फॉलो करेंगे तो वो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप एक अपना पर्सनल एनालिसिस रखें कि है ना इस पोस्ट के लिए कुछ नहीं है, एक सिंपल से प्रिंट आउट लेने हैं, 6-7 पेज हैं, प्रिंट आउट लेके आप रफ पेज पे प्रिंट आउट ले लें कैसे भी ले लें और फिर उसको है ना नोट डाउन कर लें कि है ना मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ और
इस आरआरबी में मेरी इस पोस्ट के लिए, मेरी इस ब्रांच के हिसाब से इतनी वैकेंसी अवेलेबल है। ओके, तो उससे क्या है कि आपको है ना सिलेक्शन रेशियो आपका बढ़ जाएगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे CBT 1 क्लियर करने के, फिर CBT 2 में जाने के, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें तैयार कराने वाले हैं, पूरा सिलेबस के बारे में, ये सारी वैकेंसीज़ के बारे में हो गया कि है ना हम आपका जो CBT 1 वाला पोर्शन है वो पूरा कवर करा देंगे टाइमली, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पोर्शन होगा और एकदम स्मार्ट वे में कराएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हमें एक टॉपिक पे, जैसे मान के चलिए हमने फिजिक्स स्टार्ट किया, तो फिजिक्स में जितना पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है और जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए वो पूरा कवर कराएंगे, उसमें कहीं नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स के बारे में पूरा है ना उसको बहुत डीप डेप्थ में एनालिसिस करें तो जिससे क्या है कि हमारी और सब्जेक्ट छूट जाएँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम सारी सब्जेक्ट को पैरेलली लेके और बिल्कुल प्रिसाइज और आपको टाइमली है ना सिलेबस पूरा कंप्लीट करा के देंगे, ठीक है, और जिससे क्या है आपका सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाए। तो पुराने जैसे हमने RPSC AN में मतलब अपना मटेरियल लोगों को प्रोवाइड कराया था, तो वहाँ से सबकी है ना अच्छे रिस्पॉन्स आए, सबने बोला है कि बहुत अच्छे से कवर कराया। इवन करंट अफेयर वाले पोर्शन में आपके 20 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जिसमें से 9 क्वेश्चन मैम ने जो पढ़ाए थे आपका करंट अफेयर के, 9 क्वेश्चन उसमें से थे, तो अप्रॉक्स आपका 50% हमने उसमें से करंट अफेयर पोर्शन में से भी कवर कर लिया। तो इस तरीके से आपका जो भी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल प्रिसाइज प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमने उस टाइम पे जो वीडियो लेक्चर बनाए थे करंट अफेयर के मंथली वाइज बनाए थे, ऐसा नहीं था पर डे एनालिसिस, क्योंकि इतना हम सब टेक्निकल फील्ड से हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो सबका क्या है कि है ना आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है वो थोड़ा वीक होता है। तो हम आपको है ना CBT 1 के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम एकदम प्रिसाइज मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कितना रिक्वायरमेंट है नहीं है, कितना मटेरियल पढ़ाना चाहिए, वो सब चीज़ हम एक अच्छे से एनालिसिस करके हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि है ना आप मेरे से ये पूछें कि कौन सी RRB के लिए अप्लाई करना है, कौन सी RRB बेस्ट है, तो इस सब चीज़ का जवाब मैं आपको ऐसे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये आपकी है ना पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप कौन सी वैकेंसी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मतलब कहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन में जाना है, और आपका लेवल क्या है कि आप कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना स्कोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके खुद को मतलब पर्सनल ओपिनियन पे, पर्सनल खुद की इनर उस पे आपको डिपेंड करेंगी कि आपको अंदर से लग जाएगा कि यार मेरे को इस RRB के लिए जाना चाहिए। और अगर सब लोग एक ही RRB के पीछे भागेंगे तो बाकी RRB में कट ऑफ लो चला जाएगा, तो इस वजह से आपका खुद का एक डिसीजन होना चाहिए, खुद का ये कहना आप इसमें एनालिसिस कीजिए कि किस तरीके से आप इस कौन से RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपके लिए बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, कि कौन से RRB में कितनी कितनी वैकेंसी हैं और आपको मतलब कौन कौन सी उसके लिए एलिजिबल हैं, तो एक पूरा डिटेल एनालिसिस का वीडियो हम शॉर्टली आपको अपलोड कर देंगे, उसमें आप देख के एक आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि यार कौन से RRB के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए या इस वैकेंसी के लिए मुझे देखना चाहिए। और रेस्पेक्टिव जो वैकेंसीज हैं, मान लीजिए मैकेनिकल के लिए RRB अजमेर में 100 सीटें हैं या 200 सीटें हैं, ठीक है, 200 सीट में से रेस्पेक्टिव कौन कौन सी, मान लीजिए 50 सीटें हैं तो वहीं पे मतलब 200 सीटें हैं, उसमें से 100 सीटें हैं तो आपकी कंबाइंड वाली ब्रांचों वाली हैं जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक वाली, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। किसी और RRB मान के चलिए 200 सीटें हैं वो सारी मैकेनिकल वाली हैं, तो वहाँ मैकेनिकल में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको है ना आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, तो आप आराम से अभी एनालिसिस करिए और अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है, हम आपको टाइमली पूरा सिलेबस करा देंगे, आप वीडियो देखते रहिए और आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.mechanicalstudydd.com। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इनके साथ आपको फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे। थैंक यू सो मच।